Good morning students, how are you? You are welcome to CR International online classes. आज का 12th arts के अंदर assignment number है 97 for both medium दोनों के अंदर common topic है आपका kinds of sources to know गांधी जी को जानने के विभिन्न स्रोत हमारे पास क्या क्या हैं, कैसे हमें पता चलता है कि उनके जीवन के अंदर कौन कौन सी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की, किस किस तरीके से हम उनके बारे में जानते हैं, समाज के जरिए, अखबारों के जरिए, उनकी आत्मकथा के जरिए कैसे हमें पता चलता है कि वो अपने जीवन में कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर बताया गया है 3 different kinds of sources। अब यहाँ हम 3 की जगह इसको 4 कर सकते हैं क्योंकि वी हैव डन 4 points, यहाँ 4 points कर सकते हैं, FOUR, 4 different things of sources through which we can know about गांधीजी। गांधीजी को जानने के लिए हम 4 प्रमुख स्रोतों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में हम पता लगाते हैं। सबसे पहले है ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथाएं। आत्मकथा को हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने बारे में कुछ जानकारी प्रदान करता है तो ऐसी चीज़ें लिख सकता है जो उसके अपने जीवन के अंदर उसकी विशेष उपलब्धि रही हो, अपनी खुद की प्रशंसा लिखी हो, विशेष किसी क्षेत्र में झुकाव, उसकी रुचि, उसकी अभिरुचि, उसके विचार, उसकी दूसरों के प्रति किस तरह की सोच है, उसके बारे में अपनी आत्मकथा में व्यक्त कर सकता है, अपनी हीन भावना को भी व्यक्त कर सकता है, उसकी कमियाँ और उसकी सकारात्मकता दोनों ही सामने आ जाती हैं। आत्मकथा से ऐसा भी बात देखने में आ सकती है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है तो अपनी बुराइयों को छोड़ दे, केवल अच्छाई अच्छाइयों को निरूपण करता चला जाए तो उसमें वास्तविक बात का, तथ्य का पता नहीं चलता। कई बार किसी घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कोई भी जो वक्ता है या जो बताना चाहता है उस कथा के बारे में, उस कहानी के विषय में, तो वह कोई चीज़ छुपा भी सकता है और वह क्यों छुपा रहा है उसके पीछे के तथ्यों को भी हमें जानने की ज़रूरत होती है। तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा के जरिए हमें महात्मा गांधी जी के जीवन की विभिन्न घटनाओं के विषय में, उनकी विभिन्न प्रकार की सफलताओं के और असफलताओं के विषय में पता चलता है। उन्होंने अपने जीवन में क्या, किस किस तरह की राजनीतिक घटनाओं के अंदर वे उनका सरोकार था, किस तरह की राजनीतिक घटनाओं के अंदर वो भागीदार बने और अंग्रेजी साम्राज्य पर कितना प्रभाव रहा, आम जनता पर हमारे इंडिया के अंदर उनका कितना प्रभाव रहा, ये सब आत्मकथा है उसके जरिए हमें पता चलता है। आत्मकथा में ये भी पता चलता है कि समाज के अंदर रहते हुए महात्मा गांधी ने, जो कि अपने आप में वो चाहते तो बहुत ऊंचाइयां छू सकते थे क्योंकि हमारे देश के सर्वोच्च नेताओं में उनकी गिनती होती थी, लेकिन उन्होंने कोई राजनीतिक पद स्वीकार नहीं किया। वो चाहते तो देश के प्रधानमंत्री होते, चाहते तो राष्ट्रपति होते, लेकिन नहीं चाहा उन्होंने। उनका जीवन के अंदर स्पेशल मकसद था कि जनता की सेवा करना और वो किसी पद को नहीं धारण करना चाहते थे, राजनीतिक पद नहीं लेना चाहते थे। वैसे उन्होंने वकालत की थी राजकोट रियासत के अंदर, उनके पिता एक दीवान हुआ करते थे, मोहनदास करमचंद गांधी उनके पिता थे। और इसी तरह से मोहनदास करमचंद गांधी, जो मोहनदास है इनका अपना नाम और करमचंद गांधी है इनके पिता का नाम, तो करमचंद गांधी के बेटे थे ये और बाकी इनके भाई भी थे और इनके अपने 4-5 लड़के थे इनके। तो इससे मतलब वैसे जितनी सफलता इनको मिली है बाकी ना तो भाइयों को मिली ना इनके वंशजों को मिली है। और इसके अंदर हम ये देख सकते हैं इनकी आत्मकथा के अंदर कि जीवन के अंदर इन्होंने बगैर किसी लोभ लालच के, बगैर किसी आकांक्षा के अपने देश को सर्वोच्च करार दिया है, राष्ट्रीय एकता को महत्व प्रदान किया है। इसने सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, यहाँ तक कि निम्न जाति के लोगों को भी ऊपर उठाने की कोशिश की है और अपने प्रयासों के बारे में विवरण उन्होंने अपने आत्मकथा में डाला है। तो एक तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी हुई आत्मकथा है, उससे हमें पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी आत्मकथा में बहुत सी बातें वो नहीं लिख पाता है जबकि उसके बारे में दूसरे जो राइटर्स होते हैं वो उनकी
उनके बारे में उनकी जीवनी लिखते हैं और उनके अंदर ऐसे ऐसे अनछुए पहलुओं को लिखते हैं कि जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को मतलब सब लोगों को नहीं पता है। और जब जब वो चीज़ सामने आती है तो लोगों को अचरज होता है, जैसे उनकी कुछ रुचियाँ हैं। कई बार ऐसा भी जैसे उसके कहानियों के अंदर वर्णन किया गया है कि महात्मा गांधी जी वैसे तो स्वभाव से निर्भीक थे, अहिंसा का पालन करते थे, सत्याग्रह का पालन करते थे, लेकिन कभी कभार हमने इस तरह की कहानियाँ भी पढ़ी हैं कि उन्होंने लंदन में जब वो थे तो उन्होंने एक स्कूल के अंदर एज ए टीचर उन्होंने ड्यूटी की और उस ड्यूटी को निभाते हुए उनके वो जब एक बच्चे की पिटाई कर रहे थे तो उस समय खुद कांपने लगे। इसके बाद आगे है गवर्नमेंट रिकॉर्ड, सरकारी विवरण। वैसे हमारा देश गुलाम था, हम अच्छी तरह से समझते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर जितने भी अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, जितने भी अधिकारी थे, आपस में जो पत्र व्यवहार करते थे या फिर जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स थे सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश, उनके जरिए महात्मा गांधी जी के विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों से और उनके प्रभाव और उनको दबाने की रणनीतियों के बारे में सरकारी जो महकमा होता था वो जिस तरह के विवरण हमें प्रदान कर सकता है तो उससे हमें पता चलता है। आज के समय में अभिलेखागारों के अंदर ये सभी पत्र व्यवहार जो कि पुलिसकर्मियों के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट को या गृह विभाग के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट को विभिन्न तरह की जानकारियाँ हमें पता चलती हैं। जब विभिन्न प्रकार के आंदोलन सफल हो रहे थे तो अधिकारियों की हताशा कि वो दमन नहीं कर पा रहे हैं उस आंदोलन का, इसके बारे में हमें सरकारी रिकॉर्ड्स के हमें पता चलता है। सरकारी रिकॉर्ड में महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता का पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं और चाहे वो कितना भी एक पॉजिटिव काम कर रहे थे हमारे अपने देश के लिए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर उनको भी उसे विशेष मतलब योगदान नहीं माना है, उन्होंने उसे गलत माना है। उनका मतलब जब 1930 के अंदर XII अवज्ञा आंदोलन बहुत लोकप्रियता की तरफ बढ़ता जा रहा था तो गृह विभाग ने उनकी लोकप्रियता को भी नहीं माना और ये भी नहीं माना कि वो आम जनता का समर्थन उनका आंदोलन प्राप्त करेगा। वो ये समझते थे कि छोटी मोटी घटना है, ये सब कुछ दिन के लिए होगा और फिर दोबारा से नॉर्मल हालात पैदा हो जाएंगे, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली जाती थी तो अंग्रेज़ घबरा जाते थे। ऐसा गवर्नमेंट रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। सरकारी विवरणों के अंदर ये भी पता चलता है कि हमारे देश के अंदर लगान की व्यवस्था कैसी थी, किसानों के हालात कैसे थे, अन्य जो दस्तकार व्यक्ति है या कोई भी कामगार शिल्पकार व्यक्ति है जिसको सोची समझी रणनीति के तहत अंग्रेजों ने बर्बाद किया तो उसके प्रति आवाज़ उठाने की प्रवृत्ति जो है महात्मा गांधी की, उससे हमें पता चलता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड से। इसके बाद थर्ड पॉइंट, पब्लिक वॉइस एंड पर्सनल राइटिंग। इसमें है पब्लिक वॉइस का मतलब होता है सार्वजनिक स्वर, लोगों की आम जनता की किस क्या कहना चाहती है उसके बारे में। और लोग पर्सनल तौर पे अगर पत्र व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं तो लोगों की बातचीत का जो स्तर होता है वो हो सकता है निम्न से निम्न भी हो जाए, और अगर वह कोई भी व्यक्ति अगर भाषण देता है सामान्य रूप से हजारों लाखों की भीड़ के सामने तो अपने आप को एक अच्छा वक्ता पेश करने की कोशिश करता है, अपनी सभी कमियों को ढकने की कोशिश करता है और अच्छी से अच्छाइयों को मतलब सामने दिखाने का प्रयास करता है और अपना एक जो उसका वास्तविक परिचय है उसका उसमें पता नहीं चलता। लेकिन जब निजी लेखन की बात आती है, लोग अपने बारे में पत्र व्यवहार करते हैं अपने रिश्तेदार को, अपने यारे प्यारों को या फिर अपने दोस्तों को, तो उनकी कुछ कमियां भी सामने आती हैं, उनको जो जिन बात की चिंता है, जिन जिन कमियों के बारे में उन्होंने सोचा कि मैं अपने जीवन में ये मैं पूरा नहीं कर पाया, इस तरह के जो उनके मन में दबे हुई भावनाएँ हैं उनका हमें पता चलता है जो कि भाषणों के अंदर नहीं पता चलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्रों के अंदर भी ऐसी ऐसी बातें लिखी होती हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती जबकि समाज के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, यानी वे भी सार्वजनिक स्वर का एक सहभागी बन जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि सार्वजनिक स्तर का कोई भी पत्र है या फिर निजी स्तर का कोई भी पत्र है, दोनों का मिला जुला समागम देखने को मिलता है, उसमें ये क्लियर करना मुश्किल हो जाता है कि सार्वजनिक स्तर का पत्र है या फिर निजी स्तर का। तो सार्वजनिक स्तर का मतलब होता है सबके लिए महत्वपूर्ण, आम जनता के अंदर अगर कोई मैसेज देना है तो भाषण के जरिए जैसे कोई व्यक्ति अपनी जानकारी देता है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जब भी कहीं पे भाषण दिए जाते थे सभी समुदायों के लोग इकट्ठे होते थे, सभी जातियों के लोग इकट्ठे होते थे और बगैर किसी भेदभाव के लोग अपने राष्ट्र के बारे में सोचते थे।
और जब वो निजी पत्र व्यवहार करते थे तो जैसे कि उन्होंने विभिन्न, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को विभिन्न पत्र लिखे, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको पत्र लिखे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पत्र लिखे गए, सुभाष चंद्र बोस जी को पत्र लिखे गए, और इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद या जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको भी पत्र लिखे गए थे। तो आपस में जो पत्र व्यवहार है उससे आपसी संबंधों का पता लगता है और उनकी कमियों का भी, जो उनके निजी जीवन की भागीदार बनती हैं उन कमियों का भी हमें पता चलता है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में सार्वजनिक जो उनका भाषण जैसे कहीं भी दिए गए महात्मा गांधी जी के द्वारा, उनसे हमें पता चलता है, जो कि एक रिकॉर्ड के रूप में उनका वर्णन कर लिया गया या फिर अखबारों के जरिए उन्होंने अपनी कोई बात आम जनता के सामने रखी है। जैसे कि विभिन्न पत्र जैसे आम जनता से और महात्मा गांधी जी को मिलते थे तो वो पत्रों को हरिजन नामक पत्रिका के अंदर उनको प्रकाशित करते थे, और कई बार लेखक के मन में ये भावना होती है कि अगर पत्र प्रकाशित किया जाना है तो वह अपनी वास्तविकता को छुपाने की कोशिश करता है, उन्हें थोड़ा सा संकोच होता है कि ये मतलब सब लोगों के सामने जाएगा तो उसका स्तर वह बदलने की कोशिश करता है, यहाँ पे यह बात रखी गई है। इसके बाद है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, अखबारों के अंदर जैसे हरिजन नामक पत्रिका के अंदर आम जनता की जो समस्याएं होती थी उनको महात्मा गांधी जी जोर शोर से उनको छपवाते थे ताकि सरकार की नज़र उन पर जाए, सरकार उनके खिलाफ कोई सख्त नियम लेके आए और आम जनता की भलाई के संबंध में कोई कदम उठाया जाए। इस प्रकार हमारे ये दोनों चारों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इसके अंदर हम इसको एक बार फिर देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी को हम इन निम्नलिखित तरीकों से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है आत्मकथाएं। आत्मकथाएं जो होती हैं, कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं पूरे जीवन के अंदर जो भी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं, अपने जीवन की जो उपलब्धियां देखी हैं, जो जो उनको अपने जीवन में लालसाएं, आकांक्षाएं या फिर जो कमियां महसूस की हैं उनके बारे में, जो अभाव हैं उनके लाइफ में, उनको एक्सपीरियंसेस को वह अपने अपने कलम से बयान करता है, और वह जब दूसरों के सामने आत्मकथा जाती है तो आत्मकथा के जरिए पूरे जीवन का एक बायोडाटा सामने आ जाता है और उसका पता चल जाता है कि जीवन में ये व्यक्ति कितना कारगर है। लेकिन इसमें ये बात हो सकती है कि कुछ आत्मकथा लिखने वाले कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी मतलब कमियों को उजागर ना करते हुए अच्छाइयों को ज़्यादा उजागर करने की कोशिश करें और मतलब किसी एक पक्ष को ढकने की कोशिश करें। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड के जरिए बात पता चलती है कि महात्मा गांधी जी ने किन किन आंदोलनों को में वो सहभागी बने, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इसके अलावा जैसे भारत छोड़ो आंदोलन और इसमें असहयोग आंदोलन। तो इन सभी आंदोलनों के जरिए वो लोकप्रिय होते चले गए। कुछ सत्याग्रह में भी उनका नाम ले सकते हैं, जैसे खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है और बार इसमें ये जो है अहमदाबाद सत्याग्रह है। अहमदाबाद में मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह था उसके अंदर उन्होंने अपना मतलब जोरदार आवाज़ उनको दी, उनका नेतृत्व किया। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर ये पता चलता है महात्मा गांधी जी कितने सफल हुए, कितने आंदोलन चलाए, कितनी जनता उनसे प्रभावित हुई, आम जनता के अंदर पढ़ते लोकप्रिय आंदोलनों की वजह से सरकार पर कितना प्रेशर पड़ा, उनका विवरण जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड से हमें महात्मा गांधी जी की उपलब्धियों का पता चलता है। इसके बाद पब्लिक वॉइस एंड पर्सनल राइटिंग, इसमें सार्वजनिक जीवन के अंदर वो किस तरह के व्यक्ति थे, आम जनता के प्रति किस तरह की सोच थी, सारे राष्ट्र के प्रति किस तरह की सोच थी, उनके भाषणों से ये बात हमें पता चलती है। और इसके अलावा जो उनके पर्सनल राइटिंग है यानी निजी जीवन के अंदर आपस में पत्र व्यवहार अगर दूसरे व्यक्ति को करते हैं उनसे संबंधित जो प्रूफ हैं हमें पता चलता है कि उनका जीवन में किसके साथ संबंध अच्छे थे, कितने किसके साथ अच्छे संबंध नहीं थे और वो जीवन में किस तरह की मतलब भावनाएं रखते थे, लोगों के प्रति प्यार प्रेम है, ईर्ष्या है, इन सब चीज़ों का बेचैनी है उनका पता चल जाता है। इसके बाद डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, विभिन्न प्रकार के अखबारों से भी हमें महात्मा गांधी जी के बारे में पता चलता है, क्योंकि इंग्लैंड में छपने वाला जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर वे हालांकि अंग्रेज़ों की प्रशंसा करते थे और अपने जो अपने अंग्रेजी राज को वो जायज़ मानते थे, हमारे यहाँ के लोगों के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी, ये पूर्वाग्रही मतलब अखबार वहाँ पे होते थे। लेकिन इंडिया के अंदर जो न्यूज़पेपर थे हमारे यहाँ के राष्ट्रवादी अखबार जो थे उनकी अगर हम तुलना विदेशी अखबारों से करें या लंदन के अखबारों से करें तो वो मैच नहीं हो सकती है, और किसी भी घटना को तोड़ मरोड़ करके वहाँ पे पेश किया जाता था, लेकिन हमारे यहाँ की जो घटनाएं थी उनको एज इट इज़ पेश करते थे और हमारे यहाँ राष्ट्रवादी काफ़ी सफल हो चुके थे, क्रांतिकारी सफल हो चुके थे। और महात्मा गांधी जी ने बड़ा योगदान दिया इन अखबारों के जरिए, उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई, आम व्यक्ति भी उनका जानकार हो गया और अंग्रेजी साम्राज्य पर भी प्रेशर पड़ा कि अंग्रेजी साम्राज्य महात्मा गांधी जी को पहले कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन बाद में उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें मतलब उनका कद बहुत ऊंचा कर लिया।
और अंग्रेजों को चिंता होने लगी। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, काइंड्स ऑफ सोर्सेज टू नो गांधी जी, गांधी जी को जानने के विभिन्न स्रोत। ये आपका 97 असाइनमेंट है, आप इसको राइट करें, रिवाइज करें, लर्न करें, और अप टू 30 सितंबर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है जिन भी बच्चों का रहता है, और इनका जो मतलब टाइमली रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रा कंपल्सरी है। धन्यवाद।